गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम SST का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ ग्लिम्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। ग्लिम्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन का मतलब है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके आसपास कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसकी एक झलक देखेंगे हम इसमें इस चैप्टर में। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसकी DRC की फुल फॉर्म है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। द रीजन बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर एक्सपीरियंसेज एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जो नॉर्थ जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके 10 डिग्री नॉर्थ पे और 10 डिग्री साउथ के बीच में जो क्षेत्र, बीच का जो क्षेत्र है, जो रीजन है, वो हमारा इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहलाता है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट है एक तरीके से वो। पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, द अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया। हाँ, पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड द अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया इन साउथ एशिया फॉल इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन जो है हमारा जो क्षेत्र है उसमें हमारी ये सारी कंट्रीज जो है वो आती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट अ कंट्री लोकेटेड इन इक्वेटोरियल रीजन। तो हम इनमें से एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि इक्वेटोरियल रीजन में के बीच में आती है। Until 1960 when it became independent, the Democratic Republic of Congo was ruled by Belgium. ये जो कंट्री है Democratic Republic of Congo, ये was ruled by Belgium के द्वारा रूल किया जा रहा था यहाँ पे। इस क्षेत्र में जो है वो Belgium इस कंट्री के ऊपर क्षेत्र के ऊपर अपना रूल कर रही थी, उसका शासन था यहाँ पे 1960 में। इट वॉज देन कॉल्ड Belgium कॉन्गो। उस टाइम पे इसे क्या कहा जाता था, बेल्जियम कॉन्गो। द नेम वॉज चेंज टू जेयर इन 1970 में उसका नाम बेल्जियम कॉन्गो था और 1971 में इसका नाम चेंज करके जेयर कर दिया गया। वंस अगेन इन 1997 इट वॉज रीनेम्ड एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और फिर 1997 में दोबारा से इसका नाम चेंज करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कर दिया गया, विच इज इट्स प्रेजेंट नेम, जो कि इसका अभी का प्रेजेंट नेम है। वो वर्तमान समय में इसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ इन अमेरिका। अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है ये। टू द नॉर्थ ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नॉर्थ साइड में जो एक कंट्री है, जो एक डेजर्ट है सबसे बड़ा, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो हमारी भूमध्य रेखा है वो इसके नॉर्थन पार्ट से उत्तरी भाग से होकर जाती है। द रिवर कॉन्गो फॉर्मली कॉल्ड जेयर, जिसको जेयर भी कहा जाता है, कॉन्गो फ्लोस थ्रू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और वो इसी क्षेत्र के बीच से जाती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है उसी के बीच से जाती है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका एंड सेवन्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जेयर जो रिवर है, कॉन्गो रिवर भी कहा जाता है जिसे, ये सेकेंड मतलब दूसरी सबसे बड़ी अफ्रीका की नदी है और वो पूरे संसार की, दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी है। अबाउट 2/3 एरिया ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द कॉन्गो बेसिन। इसका 2/3 दो तिहाई हिस्सा जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, DRC का, दो तिहाई हिस्सा जो है वो कॉन्गो बेसिन के बीच आता है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज़ एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इसका क्लाइमेट जो है वो इक्वेटोरियल है, हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इसका क्लाइमेट जो है वो हॉट, गर्म और नमी वाला होता है, गर्म और सूखा होता है बिल्कुल। एज द इक्वेटर पासिस थ्रू दिस कंट्री, क्योंकि इस कंट्री के बीच से इक्वेटर होकर जाता है। द मॉर्निंग्स आर हॉट एंड ह्यूमिड। मॉर्निंग जो होती है वो बहुत ही गर्म होती है, थोड़ी नमी वाली होती है, नम्रता होती है उसमें। द टेम्परेचर राइजेज स्टीडली, और जैसे जैसे दिन आता जाता है इसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता जाता है। दिस कॉजेज क्लाउड्स टू बिल्ड अप बाय द आफ्टरनून एंड देयर इज हैवी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट पीरियड। और इसी वजह से जब वहाँ पे बहुत तेज धूप होती है तो क्या होता है, जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा भाप बन के ऊपर बादल में चला जाता है, और जब वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जल्दी ही बारिश भी हो जाती है। दिस हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी डे थ्रू आउट द ईयर, और ये ऐसा पूरे साल में हमेशा होता ही रहता है, एवरी डे पर डे वहाँ पे ऐसा ही होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द डेज एंड नाइट्स इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। दिन और रात जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं। देयर इज़ नो डेमोक्रेशन डेमो
डेमोक्रेशन ऑफ द सीजन्स ईयर, यहाँ पे कोई डेमोक्रेशन नहीं है। द क्लाइमेट रिमेन्स मोर और लेस द सेम थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यहाँ पूरे साल का क्लाइमेट जो होता है वो सेम ही रहता है, इसीलिए हमारे यहाँ पे जैसे बरसात व गर्मी ऐसे सर्दी ऐसे मौसम बना रखे हैं, यहाँ वहाँ पे ऐसे कोई भी मौसम नहीं है। वेजिटेशन, कॉन्गो हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट, यहाँ का वेजिटेशन है जो सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं वो भी वो बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट को जहाँ पे भी ये किया जाता है वो उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल जो होते हैं वो हमेशा ग्रीन ही रहती हैं, हरी रहती हैं। द ट्रीज आर टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप, यहाँ के ट्रीज जो होते हैं पेड़ होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, और उनके टॉप पे जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, कैनोपी बना होता है उन पे। दिस प्रिवेंट्स सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड, और जो पेड़ उनके पत्ते जो होते हैं वो ऊपर टॉप पे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो सनलाइट होती है सूर्य की किरणें होती है वो ग्राउंड पे जल्दी नहीं पहुँच पाती हैं। देयरफॉर दीज फॉरेस्ट आर डार्क एंड डैम्प, इसी वजह से ये यहाँ के जो जंगल होते हैं वो बहुत ही डार्क होते हैं, क्योंकि धूप तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाती, इसलिए उजाला भी नहीं हो पाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास थ्रू दीज फॉरेस्ट इवन डूरिंग डे टाइम, इसीलिए यहाँ पे इन जंगलों से गुजरना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि दिन में भी यहाँ से गुजरना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे पूरे टाइम में हर टाइम अंधेरा ही रहता है। द इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर महागोनी, इबोनी, रबर, कोकोनट एंड बैम्बू, यहाँ के इम्पॉर्टेंट जो ट्रीज़ हैं वो उनके नाम ये हैं, महागोनी, इबोनी, रबर, कोकोनट एंड बैम्बू। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ये रॉ मटेरियल भी प्रदान करते हैं, कच्चा माल भी प्रदान करते हैं। द क्लाइमेट इज़ नॉट सो हॉट एंड वेट इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इसके साउथ पार्ट की जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पर भी ज़्यादा हॉट और सूखा वो क्लाइमेट नहीं होता है वहाँ का। इन दिस रीजन स्मॉल ट्रीज सर्व्स एंड ग्रास लैंड आर फाउंड, दीज ग्रास लैंड आर कॉल्ड सावंस, और इसीलिए इस क्षेत्र में जो होते हैं वो छोटे छोटे शब घासें शब ट्रीज ये उगी पाई जाती हैं, इसीलिए इन ग्रास लैंड को सावंस कहा जाता है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, यहाँ तक इस चैप्टर को कम्प्लीट करना है, और इसका ये जो मैप है ये कॉपी में ड्रॉ करना है, ये वाला मैप जो है इसे कॉपी में ड्रॉ करना है आज।